हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू एसएससी गाइडेंस। आज का हमारा टॉपिक रीजनिंग से है। आज से हम रीजनिंग की एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें क्या करेंगे हम कि रोज एक प्रैक्टिस सेट लेंगे हम रीजनिंग का, जिसमें कि 25 क्वेश्चन होंगे, क्योंकि अब जो एसएससी के एग्जाम्स ऑनलाइन हो रहे हैं अब, तो इनमें 25 क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग के, ठीक है। तो हम प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में 25 क्वेश्चन लेंगे और उनको सॉल्व करेंगे। ये मिसलेनियस क्वेश्चन होंगे, क्योंकि प्रैक्टिस सेट है तो इसमें सभी टाइप्स के क्वेश्चन मिल जाएंगे, जैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो रीजनिंग की सीरीज का आज हम पहला प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे और देखेंगे आज के 25 क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्या दिया हुआ है, इसमें करना क्या है, पहले तो जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं इसमें देख लीजिए करना क्या होता है, अनुपात में और समानुपात लगा के दिया होता है। इसमें क्या करना होता है, पहले और सेकंड में, यानी कि फर्स्ट जो होता है इस ए में और इसमें जो संबंध बन रहा होगा वही संबंध तीसरे में बना के हमें चौथा निकालना होगा, ठीक है। कुछ भी नंबर्स में भी आएगा और अल्फाबेट में भी आएगा ऐसा, ठीक है, जैसा कि यहाँ दिए हुए हैं। तो चलिए पहले देखते हैं। तो यहाँ सिंपली जब भी अल्फाबेट का है तो इसमें दो चीज़ें आप याद रखें कि आप दो चीज़ें याद करें, एक तो अल्फाबेट के नंबर्स, यानी कि जिस नंबर पे अल्फाबेट आ जाता है और बिल्कुल आप डटे हुए होने चाहिए, जैसे कि अगर कोई क्यू पूछ ले तो 17 आ जाना चाहिए, ठीक है, कोई एल पूछ ले तो 12 आपको तुरंत आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, ठीक है, वी 22, तो कुछ भी मतलब पूछ लिया जाए, कोई भी अल्फाबेट दे दिया जाए तो उसका नंबर आपको तुरंत याद होना चाहिए। ये नंबर क्या है कि मतलब इस स्थान पर आते हैं, अगर ए से स्टार्ट किया जाए और ए को 1 लेके स्टार्ट किया जाए तो क्यू किस नंबर पे आएगा, 17, एल 12 और वी 22, ठीक है। यानी सभी ऐसे ही सभी अल्फाबेट्स के आपको नंबर्स में स्थित पता होनी चाहिए, ठीक है, इससे क्या होगा बहुत ही आसानी से आप लगा लेंगे क्वेश्चन को। और दूसरी चीज, इनके अपोजिट जैसे ए बी सी डी टू जेड ऐसे होता है सीक्वेंस में अल्फाबेट, और उल्टा क्या होगा, जेड से स्टार्ट होगा जेड वाई एक्स डॉट डॉट ए, ये क्या होगा उल्टा स्टार्ट होगा जब हम जेड से स्टार्ट करेंगे, तो ऐसे में क्या होगा, ए का अपोजिट कौन है, जेड, बी का वाई, सी का एक्स, डी आगे डी आएगा, डी का डब्ल्यू, जेड का ए, ठीक है, तो इनके अपोजिट बनते हैं। ये भी आपको सभी के याद होने चाहिए, ठीक है, जितना भी आपको अगर तुरंत दे दिया जाए तो सभी का आ जाना चाहिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन इसी से संबंधित है, इसमें अपोजिट दिया हुआ है, जैसे ए को ले तो ये ए का अपोजिट दिया हुआ है जेड, ठीक है, क्योंकि ए स्टार्टिंग से फर्स्ट है और जेड जो है लास्ट से फर्स्ट है, तो उसका अपोजिट है। इसी तरह डी का अपोजिट कौन हो जाएगा, डब्ल्यू, एच का एस होता है और एम का एन होता है, ठीक है, तो ये होते हैं अपोजिट। तो अपोजिट अगर आपको याद है तो आपको देखते ही पता चल जाएगा कि अपोजिट दिए हुए हैं, ठीक है। अब इसी तरह नेक्स्ट इसी में क्या करना, अगर अपोजिट इसी के बना दे तो आंसर आ जाएगा। तो जी का अपोजिट क्या होता है, टी होता है, आप इनको याद कर लें तो आप तुरंत लगा लेंगे, जी का टी होता है, आई का आर होता है, तो यानी कि टी के बाद आर आएगा, तो पहले इन्हीं दो को चेक कर लें, तो टी किसमें है, टी इसमें है, इन तीनों में है, और टी के बाद आर किसमें है, इसमें, तो बस दो ही को चेक करने में आंसर आ गया, आगे चेक करने की हमें कोई जरूरत नहीं, हमें ऑप्शन मिल गया, किसी ऑप्शन सही होगा, पहले से अगर ये बना है तो तीसरे से ये बन जाएगा, ठीक है, टी आर पी एन, ठीक है, टी एफ सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकेंड नंबर, इसमें है 7 और 133 में जो संबंध है 9 का उसी से अग्निष्ट संख्या से संबंध होना चाहिए। तो पहला अगर हम डिवाइड करें तो देखते 7 से डिवाइड हो जाता है, तो कितना आ रहा है, 7 1 और 9, 19 टाइम्स जा रहा है, तो हम 19 से मल्टीप्लाई करके भी आंसर निकाल सकते हैं, तो 19 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 171 दिया भी हुआ है तो ये सही हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसे देखें तो इनको ऐड करें, यानी कि नंबर्स को, तो 3 3 कितना हो जाएगा, 6 प्लस 1 7, चलिए कि इनका ऐड भी है, तो अगर देखें क्या फॉलो कर रहा है, तो 7 1 8 और 1 9, तो ये भी फॉलो कर रहा है, और किसी में 9 नहीं आ रहा है ऐड करने में, ठीक है, तो ये उस कंडीशन में भी सही है, तो दोनों ही ट्रिक्स से ऑप्शन यही आ रहा है, ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, सी नंबर। अब नेक्स्ट इसी तरह देखें थर्ड नंबर क्वेश्चन, तो ये क्या है, 36 है, 216 है, 81 है, तो अगर तो यहाँ यानी कि 36 और 216 में जो संबंध होगा 81 और आगे, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, जितनी भी संख्या छोटी, कम से कम छोटी संख्याओं का, यानी कि स्क्वायर आपको 1 to 30 बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसी से ज़्यादातर जहाँ भी स्क्वायर का यूज होगा लगभग से 1 to 30 यानी 30 नंबर तक हो जाता है कवर, ठीक है, और याद होना चाहिए, क्योंकि आप निकालने तो अलग बात होगी कि आपको निकालने की कोई ट्रिक पता हो, तो यहाँ निकालने की जरूरत थोड़ी है, यहाँ तो हमें देख के पता लग जाना चाहिए कि कौन किसका स्क्वायर है, कौन किसका क्यूब है, और क्यूब भी इसी तरह कम से कम 20 तक तो याद ही होना चाहिए। तो यहाँ ये देखें तो ये 6 का स्क्वायर है, यानी 36 क्या है, 6 का स्क्वायर है, और ये 216 क्या है, 6 का क्यूब है,
ठीक है, यानी 6 का स्क्वायर देन 6 का क्यूब, और 81 को देखे तो क्या 9 का स्क्वायर। अब जब 9 का स्क्वायर पता है तो नेक्स्ट हमें पता चल गया क्या आना चाहिए, 9 का क्यूब आना चाहिए, और 9 का क्यूब क्या होता है 729, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट पहला क्या था 6 का स्क्वायर, अगला 6 का क्यूब आ गया, तो ये अगर 9 का स्क्वायर है तो अगला क्या आएगा 9 का क्यूब आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4 नंबर, यहाँ क्या थी जीत का दिया हुआ आनंद, तो दुख किसका होगा, यहाँ जीत यानी जीतने से हमें क्या मिलता है आनंद, तो ऑप्शन में देख ले तो हार पहले ही दिया हुआ है, तो हारने से क्या मिलता है दुख, तो ये हार हो जाएगा, क्योंकि आगे है निराशा विषादमय चीख, इनका कोई संबंध नहीं है, तो इसी का जस्ट, तो यहाँ क्योंकि किसी कारण से यहाँ दूसरा दिया हुआ था एक्सप्रेशन, तो यानी जीत से अगर आनंद मिलता है तो हार से दुख मिलेगा, तो ये ऑप्शन सही सुटेबल बैठेगा, यही हो जाएगा आंसर हमारा। अब नेक्स्ट देखें, अगर 5 नंबर क्या दिया हुआ है, शरीर और पेट का जो संबंध है पुस्तकालय का क्या होगा, तो पेट कहाँ होता है शरीर का एक भाग है, ठीक है, इसी तरह पुस्तकालय का एक भाग क्या होगा पुस्तक हो जाएगा, ना कि विद्यालय नगदी और मुख्याध्यापक, इसका कोई संबंध ही नहीं है, तो पुस्तकालय का एक पार्ट क्या है पुस्तक, पुस्तकालय में पुस्तकें होती हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यह दिया है हैंड और JBPE और PALM, इसका नेक्स्ट बताना, यानी कि इसका और इसका जो रिलेशन होगा थर्ड से वह रिलेशन लगा के हमें फोर्थ बताना है कि फोर्थ यहाँ पे क्या आएगा, तो पहले इनमें हम चेक कर लेते हैं एच क्या होता है, एट अगर नंबर आपको पता है तो देखते हैं आप पता लग जाए, एच एट है और जे क्या है 10, यानी कि 2 ऐड हुआ, ए कितना होता है 1, बी 2 यानी कि 1 ऐड हुआ, यानी पहले 2 ऐड हो रहा है फिर 1, और थर्ड में देखें तो एन 14 होता है और पी 16, इसमें भी 2 ऐड हुआ, यानी पहले 2 ऐड हो रहा है फिर 1 फिर 2, और लास्ट में देखें डी 4 होता है और ई 5, तो यानी 212 ऐड हो रहे हैं, पहले 2 फिर 1 फिर 2 फिर 1, ये सीरीज बन रही है, तो P कितना होता है 16, 2 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 18, 18 क्या होता है R, R तो यहाँ इन दो इसमें इसमें और इसमें है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट चेक करें, अब क्या जोड़ना है 1, क्योंकि पहले 2 फिर 1 फिर 2 फिर 1 ऐड करने हैं, तो सेकंड में 1 ऐड करना है, तो R के बाद A के बाद क्या आएगा B, तो RB, RB भी सब में है। नेक्स्ट चेक कर लेते हैं, अब पहले 2 जोड़ा फिर 1, तो अब क्या है 2 फिर जोड़ना पड़ेगा, तो L क्या होता है 12, तो 12 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 14, 14 होता है N, तो RBN आना चाहिए, RBN इसमें है और इसमें है, तो इन दोनों में से कोई होगा। अब M क्या होता है एक जोड़ना पड़ेगा, M 13 होता है एक जोड़ेंगे 14, क्योंकि M 13 होता है एक जोड़ेंगे 14, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि 14N होता है, तो RBNN आ जाएगा। तो सिंपली अगर इनके हमें नंबर्स पता है कि कौन सा अल्फाबेट किस नंबर पे आता है, तो देखते हैं हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं, जब इस टाइप का क्वेश्चन क्या आता है तो इसमें क्या पूछते हैं, इसमें दरअसल भिन्न पूछते हैं कि दिए गए विकल्पों निम्नलिखित में से दिए गए विकल्पों में उसे चुनिए जो अन्य तीनों से भिन्न है, यानी कि यह चार विकल्प है, चार में क्या होगा कि तीन में कुछ ना कुछ समानता होगी और चौथा जो होगा वो तीनों से भिन्न होगा, ठीक है, तो उसी चौथे को हमें बताना है जो अन्य तीनों से भिन्न हो। जैसे कि पहले में क्या दिया शिक्षण आदेश परामर्श निर्देश, तो यहाँ आदेश परामर्श निर्देश ये तो अलग चीजें हो गई, और शिक्षण इसका अलग है, शिक्षण का कोई संबंध नहीं इन तीनों से, इन तीनों में लगभग समानता है, ठीक है, परामर्श निर्देश और आदेश में, तो यहाँ क्या हो जाएगा अलग शिक्षण, शिक्षण यहाँ अलग हो जाएगा, ठीक है, तो ये भिन्न है तो इसको हम टिक कर देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट है इसमें क्या है 25 79 25 क्या है 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, इसी तरह इसमें 121 11 का स्क्वायर है, 169 13 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, यहाँ देखें तो 7 किसी का स्क्वायर नहीं है, 169 तो है 13 का लेकिन 7 किसी का स्क्वायर नहीं है, तो ये भिन्न हो गया, क्योंकि बाकी जो ऑप्शन है उनमें दोनों ही संख्याएं क्या है किसी ना किसी का स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा भिन्न हो जाएगा अन्य तीनों से, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब नेक्स्ट देखें तो यहाँ क्या दिया हुआ है, इसमें हमें भिन्न छांटना है, तो क्या है हीट मीट MWET और इसमें BEAT, तो अगर इन तीन में देखें तो बीच में क्या है MEAT, इसमें भी EAT है इसमें भी EAT है जबकि इसमें डबल E है बीच में, तो ये हो जाएगा भिन्न, ठीक है, तो सिंपल है यहाँ बीच में देखना था EAT और EAT है और इसमें डबल E है, तो ये क्या अन्य तीनों से भिन्न है इस आधार पे, इसलिए इसको हम टिक कर देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे क्या है 8465 2643 4867 6243, जब ऐसा क्वेश्चन आता है दो तीन तरीके से लग सकता है, या तो इसको हम दो दो संख्या लेके इनको संख्या मान ले दो अंकों की, ठीक है, वैसे कुछ अंतर या योग करके आंसर निकलेगा, या फिर सभी नंबरों को ऐड करके भी आंसर निकलता है कभी कभी, या फिर कुछ संबंध बन रहा हो इनमें, ठीक है,
तो यहाँ जो आंसर बन रहा है वो इनके अंतर से, अगर दो दो अंक लेके हम संख्याएं बनाएं तो ये 84 और 65 को अगर लेस करें 84 में तो 19 आता है, यानी कि अंतर ठीक है 84 और 65 का जो डिफरेंस है 19 है। इसी तरह 26 और 43 का डिफरेंस कितना है, इसका डिफरेंस तो है 17 ठीक है, इसका डिफरेंस है 17 और इसका अगर डिफरेंस निकालें तो 19 है और इसका भी डिफरेंस कितना है, यानी कि यहां देखें तो पहला तीसरा और चौथा इन तीनों ऑप्शन में क्या है जो डिफरेंस है दो दो संख्याओं के, जो हम संख्याएं बनाए हैं दोनों अंकों दो दो अंकों के उनका डिफरेंस 19 है और इस बी ऑप्शन में जो डिफरेंस है वो 17 है, तो ये क्या है अन्य तीनों से भिन्न है, इसलिए ये हमारा आंसर हो जाएगा ठीक है, तो यहाँ आंसर हो जाएगा बी पार्ट। अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ क्या दिया हुआ है, जब ऐसे क्वेश्चन अल्फाबेट के मिल जाए तो यहाँ पे क्या होता है कि अल्फाबेट में कोई ना कोई सीरीज चल रही होगी ठीक है, तो उस सीरीज को हम देख के निकालेंगे। तो यहाँ देखें तो एफ क्या होता है 6, एच 8 होता है और जे 10 और एल 12, यानी कि यहाँ पे क्या चल रहा है दो दो का गैप चल रहा है 6, 8, 10, 12 ठीक है, क्योंकि एफ 6, एच 8, जे 10 और एल 12 होता है, तो अगर नंबर्स पता है तो आपको देखते ही पता चल जाएगा कि दो दो का गैप चल रहा है, या फिर आप अल्फाबेट से ही देख लें तो एफ के बाद क्या आता है जी एच, एच के बाद आई जे, यानी कि एक एक अल्फाबेट का गैप है, और अगर आगे देखें तो यहाँ भी एक एक अल्फाबेट का गैप होना चाहिए, तो पी क्यू आर, आर के बाद एस टी यू वी, यानी कि इसमें भी सेम है दोनों में सेम फॉलो कर रहा है, दो दो का गिनतियों में दो दो का गैप मान लें या अल्फाबेट में एक बीच में अल्फाबेट है, तो यहाँ अगर देखें कि के कितना होता है 11 और एन कितना होता है 14, यहाँ तो तीन का गैप है, यानी के के बाद एल और एम दो अल्फाबेट आ रहे हैं, तो ये तो भिन्न है, और इसमें चेक कर लें अगर फॉलो कर रहा है, सी कितना होता है 3 और ई 5, यानी दो का गैप है, यानी कि सी डी ई, ई के बाद एफ जी, जी के बाद एच, जी के बाद एच आई, ये आई है ठीक है, तो यानी कि ये तीनों सेम है, इन तीनों में ए बी डी इनमें तो सेम फॉलो कर रहा है जो सीरीज है, सी में भिन्न है ठीक है, तो ये अन्य तीनों से क्या है भिन्न है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ठीक है। अब नेक्स्ट अगर देखें तो इसमें क्या है सितार, वायलिन, तानपुरा, वीणा, इन चारों में हमें बताना है कि भिन्न कौन सा, तो यहाँ पे ये चारों ही वाद्य यंत्र हैं, तो अगर आपने इनको देखा है तो आप तुरंत ही इसमें पहचान जाएंगे कि तीन क्या होंगे, तीन में कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज होंगी और चौथा भिन्न होगा, तो अगर आपने इनको देखा है इनको जानते हैं तो आप तुरंत बता देंगे वरना नहीं बता पाएंगे। तो यहाँ पे जो भिन्न है ना वायलिन है, क्योंकि वायलिन में चार तंतु होते हैं और वो बोझ से बजाया जाता है ठीक है, तो यहाँ इन चारों में वायलिन भिन्न है, अन्य तीन जो ये है समान है, तो ये सिंपल सा ऐसा क्वेश्चन है जिसको अगर आपने जो भी दिया हुआ है उनको अगर आपने कभी देखा है या जानते हैं तो बता पाएंगे वरना कोई बात नहीं ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो यहाँ क्या है कि निम्नलिखित शब्दों के अनुसार निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के अनुसार लिखना है, शब्दकोश यानी कि डिक्शनरी में, डिक्शनरी के अनुसार लिखा होता है अल्फाबेटिकल के अनुसार, जो भी अल्फाबेटिकल छोटा होता है पहले और बाद में उससे बड़ा, जैसे कि यहाँ चेक करें तो एफ तो सब में है ठीक है, ओ भी सब में है, ओ के बाद क्या है आर, आर भी अगर देखें तो सब में है ठीक है, उसके बाद चेक करेंगे जी, तो इसमें जी है, इसमें भी जी है, इसमें भी और इसमें भी, और इसमें क्या आया है एम, तो अल्फाबेट में कौन पहले आता है जी या एम, एम तो एम तो 13 होता है, जी 7 यानी जी पहले आता है, तो ये तो बाद में आएगा, ये चारों पहले आएंगे ठीक है। अब जी में इन चारों में कौन सबसे पहले आएगा, जी के बाद ई है, जी के बाद ई के बाद टी है, तो पहले ये आ जाएगा इन दोनों में, इसमें जी के बाद ओ है तो ई पहले आता है, जी के बाद आई है तो ये पहला आ जाएगा ई आई, यानी कि फर्स्ट हो जाएगा ये ठीक है, ये पहला हो जाएगा। सेकंड कौन सा होगा, जी के बाद ओ आ रहा है, सॉरी यहाँ पे जी के बाद ई आ रहा था, इसमें भी इसमें ओ आ रहा है, इसमें आई, तो पहले क्या था ई, ई के बाद टी, तो ये हो जाएगा दूसरा, क्योंकि ओ और आई बाद में आते हैं ई के। उसके बाद कौन सा होगा, ये जी आई है, जी ओ है, तो ये पहले आएगा, ये थर्ड हो जाएगा, ये फोर्थ और ये आ जाएगा फिफ्थ, तो फर्स्ट जो फर्स्ट है वही फर्स्ट है, यानी 1, 2, 4, 3, 5 1, 2, 4, 3, 5 किसमें बन रहा है, 1, 2, 4, 3, 5 ये डी पार्ट में बन रहा है। तो यानी सिंपल सा यहाँ पे क्या करना, शब्दकोश के अनुसार, यानी शब्दकोश में जैसे दिए होते हैं वर्ड उसी अनुसार में बनाना है, तो हमें देखना है कौन सा अल्फाबेट पहले आता है उसी अनुसार हम लिख देंगे। और सेकंड है इसमें भी सार्थक क्रम बनाना है, इसमें क्या होता है घटनाएं दी हुई होती हैं ऐसे क्वेश्चन में और उन घटनाओं को अरेंज करना होता है, कौन सी घटना पहले होगी कौन बाद में। तो यहाँ अगर पुलिस, दंड, अपराध, न्यायाधीश और निर्णय, इसमें देखो सबसे पहले क्या होगा, अपराध होगा, उसके बाद क्या आएगी,
पुलिस आएगी, पुलिस कहाँ जाएगी, वो न्यायाधीश के पास लेके जाएगी, न्यायाधीश क्या करेगा, निर्णय करके उस व्यक्ति को दंड देगा। ठीक है, ठीक है, ये क्रम बनेगा। यानी सबसे पहले कोई अपराध होगा तभी पुलिस आएगी, और वो पुलिस कहाँ जाएगी, न्यायाधीश के पास उसको ले जाएगी, और न्यायाधीश क्या करेगा, निर्णय करेगा, जिससे कि निर्णय करके उसे क्या देगा, दंड देगा। ठीक है, तो ये क्रम बनेगा, यानी कि 3-1-4, तो 3-1-4 इसमें है, 3-1 इसमें नहीं है, तो यही बन जाएगा 3-1-4, उसके बाद 5-2, उसके बाद 3-1-4, 4-2, सॉरी यहाँ, सॉरी यही ऑप्शन यहाँ पे सही है, हम गलत देख रहे थे, 3-1 उसके बाद 4 है, फिर सॉरी यहाँ पे दरअसल क्या किया है कि इसको 5 को 4 ही लिख दिया है, इसलिए गड़बड़ हो रही थी। ठीक है, तो 5 के बाद 2 आएगा, तो यही सही है, तो 5 को 4 ही लिख दिया था इसलिए प्रॉब्लम हो रही थी, तो क्या आएगा, 3-1-4-5-2, यानी कि सी ऑप्शन ये हो जाएगा सही। तो यहाँ सार्थक क्रम बनाना होता है कि घटनाएं दी होंगी उनको अरेंज करना है, कौन सी पहले होगी कौन सी बाद में। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 15 नंबर। इसमें क्या दिया हुआ है कि इसमें ऐसा दरअसल इसमें एक सीरीज बनती है, और सीरीज में क्या करना है, अगला अनुक्रम क्या आएगा, यानी कि अगला वर्ड कौन सा आएगा उसको हमें भरना है। तो इसमें कोई ना कोई सीरीज बन रही होगी, अल्फाबेटिकल या न्यूमेरिकल कोई भी हो। ठीक है, तो यहाँ अल्फाबेटिकल है, तो इसमें क्या पहले का पहले से हम सीरीज बनाते चले जाएंगे। तो के कितना होता है, 11, ओ होता है 15, और एस होता है 19। ठीक है, तो अगर अंतर देखें क्या बना गया, 11, 4, 15, 15, 4, 19, एक 4 का गैप है, तो 19 के बाद अगर 4 ऐड कर कितना आ जाएगा, 23, और 23 कौन सा होता है, W होता है। अगर आपको नंबर्स पता होंगे तो बहुत ही आसानी से आप लगा लेंगे, तो W इन दोनों में है, तो इन्हीं दोनों में से कोई सही होगा। तो सेकेंड को चेक कर लेते हैं, ये होता है 10 के बाद 14 आया, यानी 4 ऐड हो रहे हैं, तो 10, 14, और ये आया R 18, 18 में 4 जोड़ेंगे कितना आएगा, 22, और 22 क्या होता है, V, तो W के बाद V आना चाहिए, और V किसमें, A पार्ट में, तो यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो इनको आप गिन के भी कर सकते हैं कि आप अल्फाबेट में गिने, लेकिन 3-3, 4-4 अल्फाबेट गिनने पड़ेंगे, टाइम लगेगा, तो बेहतर होगा कि आप इन्हें नंबर्स में याद कर लें कि कौन सा अल्फाबेट किस पोजीशन पे आता है, उससे क्या होगा कि आप आसानी से कम टाइम में लगा लेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, तो ये हो गया 15 नंबर, अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर। यहाँ अल्फाबेटिकल सीरीज बन रही है और नेक्स्ट अनुक्रम बताना है हमें क्या आएगा। ठीक है, तो अल्फाबेटिकल जब भी बनता है तो इस सीरीज में मोस्ट प्रोबेबली जो होता है वो अंतर से बनता है, यानी डिफरेंस से, डिफरेंस में कुछ ना कुछ सीरीज बन रही होगी। जैसे यहाँ डिफरेंस निकाले 198 और 202 का डिफरेंस कितना है, 4, और नेक्स्ट देखें तो यहाँ डिफरेंस 9 है और यहाँ 16। तो अभी डिफरेंस को अगर देखें तो 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, तो नेक्स्ट क्या आना चाहिए, 5 का स्क्वायर। ठीक है, यानी 25 होना चाहिए, और 25 में अगर हम 27 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 252, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो जब भी नंबर्स की सीरीज आए तो उसमें ज़्यादातर यही होगा कि नंबर्स का जो हम डिफरेंस निकालेंगे उसी से कोई ना कोई संबंध बन रहा होगा। ठीक है, और वहां से आंसर आ जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट। अब नेक्स्ट देखते हैं 17 नंबर, इसमें क्या दिया है, ए एन बी ओ सी पी, और नेक्स्ट पूछा गया है। ठीक है, तो यहां अगर देखें तो ए बी सी डी, पहले का अगर चेक है तो पहले का पहले चेक करते जाए तो साथ में ही सीरीज बन रही है, यानी कि ए बी सी डी, तो अगला क्या आना चाहिए, ई, ई तो सब में है, तो नेक्स्ट चेक करेंगे, एन है, एन के बाद ओ आता है, ओ पी क्यू, तो आना चाहिए आर, तो ई आर आना चाहिए, तो ये बी पार्ट सही हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट चेक करें तो यहाँ 7 है, 25 है, 61 है, 121, तो ऐसे में क्या होगा, अगर आपको स्क्वायर अच्छे से याद है तो देखते ही पता चल जाएगा कि 7 क्या है, ये 3 के स्क्वायर के आसपास है। ठीक है, और 25 क्या है, ये तो वर्ग ही है, तो यानी कि स्क्वायर से नहीं बन रहा है, क्योंकि ये स्क्वायर से कम है, ये स्क्वायर तो है नहीं, तो ये फिर क्या है, ये 3 के क्यूब के पास भी है, सॉरी ये 2 का क्यूब के पास है, और ये 3 के क्यूब के पास है, और ये 4 का क्यूब कितना होता है, 64, 5 का क्यूब 125। तो अगर क्यूब और स्क्वायर आपको अच्छे से याद है तो आप देख के ही निकाल सकते हैं, पहले स्क्वायर से देखिए कुछ बन रहा है तो बन रहा है, नहीं तो क्यूब से। ठीक है, अंतर से भी बन सकता है, लेकिन जब स्क्वायर और क्यूब में कुछ नजर आ रहा है तो उससे लगाइए। जैसे कि ये क्या है, 2 का स्क्वायर में क्या है, 1 लेस है। ठीक है, 2 का क्यूब में, 2 का क्यूब कितना होता है, 8 में माइनस करेंगे कितना आएगा, 7। इसी तरह 25 क्या है, 3 का क्यूब, 3 का क्यूब क्या होता है, 27, इसमें 2, यानी कि एक कम, जिसका स्क्वायर कर रहे हैं उससे एक कम संख्या घटा रहे हैं, 2 के क्यूब में 1 घटाया, 3 के क्यूब में 2, तो 4 के क्यूब में
थ्री लेस करेंगे तो 64 में थ्री लेस क्या 61 आएगा, सही है, यानी कि तो 5 के क्यूब में यहाँ क्या 4 लेस किया गया होगा, तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा 6 के क्यूब में 5 लेस करना होगा, तो 6 का क्यूब क्या होता है, 6 का क्यूब होता है 216, 5 लेस करेंगे तो कितना आएगा 211, और ये हो जाएगा हमारा आंसर बी पार्ट, ठीक है, तो ऐसे हमारा आंसर निकल आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या दिया हो कि ये दिए हैं अल्फाबेट और इनका यह संबंध अंक दिए गए हैं नंबर्स, ठीक है, यानी कि कौन सा सीक्वेंस बनेगा जिससे कि एक अर्थपूर्ण शब्द बन जाए, ठीक है, ये जो रोमन अंक में दिया गया है इसी को यहाँ पे आगे पीछे करके रखा गया है, और किस पार्ट में बोल रहा है कि हमारा एक ये अर्थपूर्ण शब्द बनेगा इन्हीं अल्फाबेट को लेके, तो इसको लगाने के दो तरीके हैं, या तो आप सोचते रहिए इसको बैठ के आगे पीछे करके कोई बन जाए तो अच्छा है, लेकिन ऐसे में क्या है कि कोई टाइम लिमिट नहीं है, हो सकता है आपको तुरंत ही पता लग जाए कि ये बन रहा है, हो सकता है आप देखते ही रहें और आप कुछ समझ में ही ना आए, तो इसका सबसे सरल तरीका है यानी जिसमें टाइम लिमिट है, टाइम लिमिट किसमें है एक एक ऑप्शन में करके आप रखते जाइए, खुद ही दो तीन रखेंगे आपको पता लग जाएगा कुछ बन सकता है या नहीं, तो इसमें क्या है एक टाइम लिमिट है, चार ही ऑप्शन है आप रख के निकाल सकते हैं, सोचने में क्या है हो सकता है तुरंत आ जाए या फिर आप देखते रहें, कभी कभी टाइम टाइम जो है इसमें खराब भी हो जाता है, आप टाइम लॉस कर देते हैं, ठीक है, तो सिंपली क्या करना है हमें रख के देखना, तो पहले क्या है 5, 4, 6, तो 5 में कौन है यस 4i 6p एस आई पी से, अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कुछ और रख लेते हैं, 6 के बाद 1, 2, 3 डायरेक्ट है तो ई आर डी, कुछ नहीं बना इससे कोई अर्थपूर्ण शब्द नहीं बना, तो नेक्स्ट चेक कर लेते हैं 6, 5, 4 तो 6 क्या है पी 5 एस और 4 क्या है आई, तो पी एस आई से तो कुछ बनता नहीं, तो इसको आगे लिखने की कोई जरूरत भी नहीं है, यानी कि जल्दी कुछ नहीं बन सकता, हो सकता है कुछ बनता भी हो तो जब भी सही ना बना हो तो छोड़ सकते हैं आप, फिर क्या है 2, 3, 4 तो 2 क्या है आर 3D4R आर डी आई से भी कुछ नहीं बनेगा, आर के बाद डी आ रहा है तो मुश्किल है कुछ बनना, अब इसमें आ जाए क्या है 5 यानी कि एस, तो जाहिर सी बात इसी में बनेगा लेकिन फिर भी देख लेते हैं 5 के बाद 6 यानी कि पी और फिर 4 है आई फिर 3 है डी और फर्स्ट है ई आर स्पाइडर, यानी कि ये बन गया, ठीक है, तो सिंपली हमें रख रख के देखना, दो तीन रखेंगे तो कभी कभी पता लग जाएगा, समझ में आ जाएगा हमें कुछ बन रहा है या नहीं, तो इसका सबसे सरल तरीका यही है कि आप ऐसा करके देखें, ठीक है, क्योंकि ऐसे में टाइम लिमिट है और अगर सोचने में टाइम लिमिट है नहीं, आप आगे पीछे करके देखिए उसमें भी हो सकता है आप जल्दी आ जाए या हो सकता है टाइम भी लग जाए, ठीक है, तो इसको किसी भी तरीके से आप जिससे आपको अच्छा लगे कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर, ऐसे क्वेश्चन में क्या दिया होता है वेन आरेख में कुछ ना कुछ संबंध बताते हैं और दो तीन चीजें कुछ दे देते हैं, जैसे कि यहाँ क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित कौन सा आरेख स्तनपाई गाय और कौवों के बीच संबंध बनाता है, यहाँ स्तनपाई कौन होता है, गाय तो स्तनपाई होती है, ठीक है, लेकिन कौवे नहीं होते हैं, तो यानी कि स्तनपाई के अंदर क्या आ जाएंगी गाय, तो वो दो में है, ठीक है, लेकिन कौवा बाहर रखना पड़ेगा क्योंकि कौवा स्तनपाई जानवर नहीं होता है, वो पक्षी है अंडज है, ठीक है, क्या सी पार्ट सही हो जाएगा क्योंकि ये हो जाएगा स्तनपाई जानवर और इसके अंदर क्या आ जाएगा गाय आ जाएंगी और कौवे को बाहर रखना पड़ेगा, तो ये सी ऑप्शन यहाँ सही बैठेगा, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा। अब नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित आकृति में मानव प्राणी लड़की और लड़के के बीच संबंध बताना है, ठीक है, तो मानव प्राणियों के अंदर तो दोनों आ जाएंगे लड़के और लड़के दोनों आ जाएंगे, लेकिन लड़की और लड़कों इन दोनों में तो कोई कॉमन संबंध होता नहीं, एक मेल है एक फीमेल है, तो यह कौन सा बन जाएगा ए बन जाएगा, यानी कि यह हो जाएगा बड़ा गोला क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा मानव प्राणी, ये हो जाएंगे एक बॉयज और दूसरे गर्ल्स, ठीक है, ये इसलिए नहीं होगा कि ये मानव प्राणी तो ठीक है लेकिन कुछ बॉय कुछ गर्ल्स तो होते नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता, इसलिए नहीं होगा, तो यहाँ सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ए पार्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं यह हो कि बस स्टॉप पर एक पंक्ति में ए बाईं ओर से सातवां है और बी दाईं ओर से नवां है, वे दोनों अपने स्थानों की अदला बदली कर लेते हैं, अब ए बाईं ओर से गेरवां है तो पंक्ति में कुल कितने लोग हैं, तो ये पंक्ति का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको हम लगा के देख लेते हैं, ऐसे क्वेश्चन एक आधे पूछे जरूर जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ हम इसको बना लेते हैं, क्या दे रहा है कि पहली कंडीशन में क्या है ए बाईं ओर से सातवां, तो बाईं ओर से किधर से इधर से ए कितना है सातवें स्थान पर ए है, ठीक है, और बी दाईं ओर से नवा है, दाईं ओर से बी कहाँ है कहीं पर नवे स्थान पर है,
भी 9 नंबर प्लेस पे है। फिर क्या करते हैं, वे दोनों अपने स्थानों की अदला बदली, यानी कि ए इधर है तो इधर क्या आ जाएगा, बी, और ए इधर आ जाएगा। दोनों ने अपने स्थान बदल लिए, तो अब क्या हो रहा है, अदला बदली कर लेते हैं। अब ए बाई ओर से ग्यारहवें स्थान पर है, यानी कि ये जो ए है वो बाई ओर से पहले सातवां था, अब कहाँ है, 11, यानी कि ग्यारहवें स्थान पर, ठीक है। तो बाई ओर से ग्यारहवां हो जाता है ए। तो पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं, तो अब देखिए अगर इस हम सिचुएशन की बात करें तो यहाँ पे क्या हुआ, बाएं स्थान से भी हमें पता चल गया और दाएं स्थान से भी उसका स्थान पता चल गया। तो अगर इन दोनों को ऐड कर लें तो कितना आ जाएगा, 20। लेकिन अब इसमें देखें कि ये स्थान दो बार काउंट हो गया, सेम प्लेस है और इसको ऐड किया दो बार काउंट हो गया, इसलिए 1 लेस कर देते हैं, क्या आ जाएगा, 19। यानी कि कुल कितने बच्चे हैं, 19, 19। ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो सिंपल है, हम बना लेंगे, पहली स्थिति में ए बाएं से सातवां था और बी दाएं से नवा, फिर दोनों की स्थिति बदल गई तो ए की जगह बी आ जाएगा, बी की जगह ए। अब ए की स्थिति बाएं से ग्यारहवीं है, तो इस स्थान की बात करें, ए इधर आ गया, ये बाईं ओर से ये स्थान ग्यारहवां है और दाईं ओर से नवा, तो दोनों को ऐड करें तो 20 आएगा। लेकिन चूंकि ये स्थान दो बार काउंट हो चुका है इसलिए एक लेस कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा 19 और हमारा आंसर हो जाएगा 19, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया हुआ कि इस समय अरुण और दीपक की आयु में 4:3 का अनुपात है, ठीक है, और 6 वर्ष बाद अरुण की आयु 26 वर्ष होगी, इस समय दीपक की आयु क्या है। तो यहां पर इस समय क्या है, दिया हुआ कि अरुण और दीपक की आयु में 4:3 का अनुपात है। अरुण और दीपक बना लेते हैं, उनकी आयु का अनुपात कितना, 4:3। 6 वर्ष बाद अरुण की आयु 26 वर्ष होगी, तो अरुण की आयु 6 वर्ष बाद अगर 26 होगी, ठीक है, तो यानी कि 6 वर्ष बाद 26 होगी, तो वर्तमान में कितनी होगी, वर्तमान में हम 6 साल घटा देंगे क्योंकि ये 6 साल बाद की आयु है ना, तो वर्तमान में कितनी हो जाएगी, 20। तो यानी कि अरुण की वर्तमान आयु 20 है। तो पूछ रहा है इस समय दीपक की आयु कितनी है, तो दीपक की आयु पूछा है, तो अनुपात में 4 की वैल्यू रियल में क्या है, 20, यानी कि 5 टाइम्स है, तो इसका भी 5 टाइम्स कर देंगे तो 15 आ जाएगा, यानी कि दीपक की आयु वर्तमान में कितनी आ जाएगी, 15 वर्ष, ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में देखें तो क्या कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या पूछते हैं कि एक वर्ड दे देंगे यानी कि शब्द दे देंगे और नीचे कह रहे हैं कौन सा नहीं बनाया जा सकता है, यानी कि इन चार में से कोई 3 ऐसे शब्द हैं जो इन्हीं के अल्फाबेट का यूज करके बनाए गए हैं, लेकिन एक जो है 3 से भिन्न है, यानी कि वो जो एक शब्द होगा उसका अल्फाबेट कोई ना कोई अल्फाबेट इनसे मैच नहीं कर रहा होगा जो अल्फाबेट इसमें यूज किए गए। तो ऐसे क्वेश्चन को लगाने के लिए क्या करें, आप पहले पूरा वर्ड एक बार पढ़ लें, तो जल्दी से आप एक बार में जब भी चारों को पढ़ेंगे तो हो सकता है आंसर आ जाएगा, ठीक है, वरना छांट भी देख एक एक देख के भी लगा सकते हैं। तो शब्द क्या है, इनकरेजमेंट, गेम, तो जी को देखें जी ए भी है, एम ई दोनों हैं, और नेक एन ई सी के, तो इनकरेजमेंट यहाँ कहीं हमें के दिखा ही नहीं था, ये जो के है यहाँ कहीं के है ही नहीं इसमें, तो यही भिन्न हो जाएगा क्योंकि के नहीं है, इसका मतलब ये अल्फाबेट इसमें प्रयोग नहीं हुआ है, तो यही क्या हो जाएगा, भिन्न। अन्य को चेक करेंगे तो इनके सभी अल्फाबेट इसमें मिलेंगे। तो सिंपली ऐसे में क्या पूछा जाता है, एक शब्द दे देते हैं और पूछते हैं कि नीचे दिए गए 4 ऑप्शन में से कौन सा ऐसा है शब्द जिसके अल्फाबेट इसके अल्फाबेट से मैच नहीं करते हैं, यानी कि इसके अल्फाबेट से लेके वो शब्द नहीं बनाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आ जाएगा, नेट, क्योंकि के जो है इस शब्द पे यूज नहीं हुआ है, ठीक है, तो ये हो जाएगा सी पार्ट हमारा आंसर। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन है 25 नंबर, ठीक है। इसमें क्या दिया हुआ है कि यदि किसी कूट भाषा में दिल्ली को 73541 लिखा जाता है, कलकत्ता को 82589 ये नंबर्स में लिखा जाता है, तो कूट भाषा में कैलीकट को किस प्रकार लिखा जाएगा। जब ऐसा क्वेश्चन आता है सिंपली जब भी दो शब्दों का अंकों में दिया हुआ हो तो तीसरे का पूछा हो तो ये क्या होता है, इन्हीं दो से निकाल के बताया जाता है, यानी कि सी इसमें यूज हुआ है, ए भी इसमें, एल भी इसमें, आई इसमें यूज हुआ है, सी यू टी इसमें यूज हुआ है, ठीक है। इन्हीं से निकाल के बताना होता है जब भी ऐसा दो शब्दों का दिया हुआ, या फिर चेक भी कर सकते हैं इसमें। तो अगर हम दिल्ली और कलकत्ता को देखें तो दोनों एल कॉमन है, एल किसमें है, थर्ड प्लेस में, तो 5 है एल को, यानी कि 5 लिखा गया। इसमें भी एल थर्ड प्लेस में है और 5 लिखा गया, यानी कि सेम है, ठीक है। तो यहाँ कालीकट को कैसे, सी ए एल, सी एल क्या है, ये सी ए एल है, और है क्या 825 किसमें है, इसमें है 825 और 85 तो इसी में है सिर्फ, तो आगे का भी सेम होगा, और किसी में 825 से स्टार्टिंग ही नहीं हुई तो ही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में इसी तरह छांट के लिखते हैं।
ठीक है। तो आपके इस फर्स्ट प्रैक्टिस सेट के ये 25 क्वेश्चन थे। दरअसल अब 25 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन हमने जो लिया इसमें 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट है, यानी कि पुराने पैटर्न पे है। इसीलिए आपने देखा होगा कि कोई भी नॉन वर्बल का क्वेश्चन नहीं आया है, ठीक है। लेकिन जब नेक्स्ट 25 क्वेश्चन हम इसी के लेंगे, इसी प्रैक्टिस सेट के, तो उसमें नॉन वर्बल के भी रीजनिंग के क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं, कोई कोई क्वेश्चन सेम टाइप के दो क्वेश्चन मिले, जैसे कि यहाँ पे इस टाइप के, जिसमें कि हमें सीरीज बतानी होती है। इसमें क्या है, 6 क्वेश्चन पूछे गए थे सेम। तो अभी क्या, अभी इससे 3 आएंगे, क्योंकि पहले 50 क्वेश्चन आते थे, इसलिए ऐसे 6 पूछे जाते हैं, तो अब 3 पूछे जाएंगे, तो यही जस्ट हाफ हो जाएगा। तो इसी में, इसीलिए इसमें क्या हुआ, आज नॉन वर्बल के क्वेश्चन नहीं आए रीजनिंग के। नेक्स्ट जब लेंगे हम प्रैक्टिस इसी का, जो आगे के 25 क्वेश्चन लेंगे, उसमें नॉन वर्बल के आ जाएंगे। लेकिन चूंकि ये एसएससी का ही प्रैक्टिस सेट है, तो यही पैटर्न होता है, यानी कि ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जस्ट वेटेज उनका हाफ हो जाएगा। जैसे इस टाइप के क्वेश्चन 6 पूछे जाते थे, अब 3 आएंगे, ठीक है। तो बस यही डिफरेंस है। तो बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में लेंगे। आई होप कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसे ही टॉपिक्स पर हम वीडियो बनाते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।